बेटालाल भाई ये क्या है सब? दो मिनट रुको, अभी सब पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे सबको पता चल गया कि टप्पू सर गंजा करवाने वाला है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों, सलून में क्यों नहीं? अरे भिड़े, सलून में कैसे जाए, सारे सलून बंद है आज। अरे तो फिर घर पे जाके कराओ ना। भिड़े घर पे किसी का मुंडन होता है क्या? हमारी परंपराओं के विरुद्ध है ये। सही बात है। तो फिर ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच रोबी परमिशन के बगैर? अरे मसला वो नहीं है जेठालाल, तुमने टप्पू को ऐसे कैसे परमिशन दे दी सर गंजा करवाने की? अरे भाई जबरदस्ती देनी पड़ी, वो मान ही नहीं रहा। तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों का मनोविज्ञान। नहीं पढ़ी है? तुमने पढ़ी है? हाँ। तो तुम समझाओ इसे। लो अभी एक मिनट में समझ जाएगा टप्पू बेटा। सॉरी भुवन अंकल। बेटा टप्पू। सॉरी। अरे दिवाई को तसली है। समझ गए, ये चाइल्ड ही अलग है। पर जेठा जी, टप्पू सर गंजा करवाना ही क्यों चाहता है? ऐसे ही बबीता जी। नहीं नहीं बताइए ना। नहीं नहीं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही। क्या है जेठालाल, कुछ तो कारण होगा। भाई कारण नहीं मालूम मुझे। तो ऐसा बोला जो मालूम नहीं, ऐसा ही क्या बोल रहे हो? टप्पू बेटा, तुम सर गंजा करवाना क्यों चाहते हो? ऐसे ही। देखो जेठालाल, टप्पू तो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो ना, हमको उसको मनाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी फरमाइश पे एक बार और मैं कोशिश करके देखता हूँ। भाई टप्पू मान जा बेटा, अपना सर गंजा मत करवा। एक गंजा सर कैसा होता है वही अगर तुझे देखना है तो अय्यर अंकल अपना सर गंजा करवा लेंगे। जेठालाल मैं क्यों सर गंजा करेगा? ऐसे काय चल रहे? लेकिन टप्पू तुम इन वालों में हीरो जैसे लगते हो, प्लीज अपना सर गंजा मत करवाओ। टप्पू बेटा तुम्हारे सारे दोस्त कह रहे हैं अब तो मान जा। सॉरी फ्रेंड्स, अब टप्पू अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। टप्पू बेटा देखो, कोई नहीं चाहता कि तुम गंजे हो जाओ, सब कह रहे हैं अब तो मान जाओ, वरना कर दो ना बेटा। नहीं मम्मी। जेठालाल इसलिए मैं हमेशा कहता था कि टप्पू को कंट्रोल में रखो। भिड़े इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, हम सारे लोग मिलकर टप्पू को समझाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा तरीका नहीं अपनाया, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये टप्पू मानने को ही तैयार नहीं है तो क्या करें? ओ जेठा भरा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टप्पू इस बात को मान नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में कहीं इसने कोई बड़ा झमेला कर दिया और फिर नहीं माना तो? सही बात है। नहीं नहीं एक्चुअली टप्पू ने कहा है कि ये उसकी आखिरी जिद है और उसने प्रॉमिस भी किया है ना टप्पू? हाँ। आ टप्पू। हे जीरे
कल शाम को इस दया ने बादाम का तेल लगाया था इन बालों में। जेठालाल, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? जो नसीब में होता है वो होके ही रहता है। भाई भाग्य का लिखा कौन कैंसिल कर सकता है? देखिए ना, मेरी शादी भी ऐसा मत बोलिए। कमाल है यार टप्पू जी, मुझे सर पे बाल चाहिए तो है नहीं और टप्पू को इतने अच्छे बाल है तो कदर ही नहीं है, सर गंजा करवाना। नायिका जी कैसे करेगा ऐसे बालों को काटने का? Hey, hey, hey.
नहीं रोका, क्यों 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 नहीं रोका, क्यों? अभी तू तो रुक जा, इधर लग रहा है। ₹100 बाल काटने के, ₹150 विजिट के। ये लो, मेरे पास छुट्टे नहीं है ₹250। ₹250 मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। आप भी बैठ जाइए, ₹500 पूरे हो जाएंगे। अरे तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंडन कर देता हूँ, तो ₹250 फिटोस हो जाएगा ना। चल लाल, एक मिनट, मेरे पास है, मैं देता हूँ। चलो हिसाब बराबर, ठीक है ना? धन्यवाद। चला झालं, अभी जेठाला लहाने का प्रोग्राम घर पे या यो भी? जेठालाल। बापूजी, किस सोच में डूबे हुए हो जेठालाल? देखना, मैं तो ऐसा बापू जाके मुझे ही डांटने वाले कि टप्पू तो बच्चा है, ना समझे, तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? अरे ऐसा नहीं है जेठालाल, हम चाचा जी को समझाएंगे ना कि टप्पू ने कैसी जिद पकड़ ली कि अगर गंजा नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो हमें करना पड़ा ये सब। हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर चाचा जी को समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी जेठा भाई, एक दो महीने की बात है, तब तक तो टप्पू के बाल बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जो हुआ उसे भूल जाओ। बात तो सही है मत्ता साहब, अब पछता के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टप्पू के बाल चले गए हैं। अच्छा ये देखो। अरे ये लो बेटा टोपी, कल इसे स्कूल में पहन कर जाना। नहीं मम्मी, टप्पू टोपी नहीं पहनेगा। पापा थैंक यू, टप्पू को सर गंजा करने की परमिशन दी, इसलिए आपका ये एहसान टप्पू कभी नहीं भूलेगा। अरे ओ चला, अबे फूक मार के बाल उड़ाने की कंपेस्टेशन करनी है क्या? पापा मेरे तो ऑलरेडी बाल उड़ गए। अच्छा टप्पू बेटा, एक बात तो बताओ कि सर गंजा करवाने का अजीब सा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? हाँ टप्पू, तुझे स्कूल में यूं जाते हुए शर्म नहीं आएगी? नहीं अंजलि आंटी। मम्मी मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि टप्पू को सर गंजा करवाने का ख्याल क्यों आया। और टप्पू ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी के कहने पर या किसी को देखकर ऐसा कदम उठाए। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। अच्छा दया भाभी, मुझे एक बात बताइए, टप्पू ने आपको सबसे पहले ये कब कहा था कि उसे सर गंजा करवाना है? स्कूल से आते ही सीधा कहा। अच्छा, और स्कूल जाते वक्त उसका मूड कैसा था? एकदम मस्ती भरा, खुश सब खुश। अच्छा जेठालाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूर टप्पू के स्कूल में ही कुछ हुआ है जिससे टप्पू ने सर गंजा करवाने की जिद पकड़ी और हमसे बात छुपाई। हाँ टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है
ऐसा क्या हुआ होगा स्कूल में? कि ऐसा तो नहीं मेहता सर कि उसके लंबे बाल को लेकर स्कूल में किसी टीचर ने उसे डांटा हो? पॉसिबल, मेरे ख्याल से कोई भी कारण हो सकता है जेठालाल। हमें उसके स्कूल में जाके पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ चलो, कल हम सब लोग टप्पू के साथ स्कूल जाते हैं। एक मिनट, अगर हमें ये राज जानना है तो हमें कल टप्पू के साथ नहीं, टप्पू के पीछे छुप कर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे अंजलि भाभी, कल जैसे ही टप्पू सिन्हा स्कूल के लिए निकलेंगे हम सब उनके पीछे पीछे छुप छुप के पीछा करेंगे। अरे टप्पू आ गया। यार काश हमारे मम्मी पापा भी हमें गंजा होने देते। प्रिंस कैसा लग रहा हूँ? और टप्पू तुझे चंगा लग रहा हो? थैंक्स। हाँ। क्या चंगा होगी टप्पू, तुम बालों में ज्यादा अच्छे लगते थे। पता है? ये चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है वरना सर हमें मुर्गा बनाएंगे। हाँ। और हम लोग मुर्गा बनते हुए अच्छे नहीं लगते। काट कर तू बोली मोटा मुर्गा। चला 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 चला। जेठालाल मेहता साहब, इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रहे हैं? तुम तुम्हारे अखबार पढ़ो ना भाई पोपटलाल। अरे भाई अखबार में थोड़ी लिखा है कि आप छुप छुप के कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। अरे भाई तुमको क्या इतनी पंचायत है, जैसा बड़े कह रहे वैसा करो। क्या कह रहे हो जेठालाल? पोपटलाल उम्र में मुझसे बड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब, उम्र में आप मुझसे बड़े? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पोपटलाल शादी का उम्र से क्या लेना देना है? इस देश में तो 80 साल के बहुत सारे कुंवारे घूम रहे हैं, तो वो क्या सब उम्र में मुझसे छोटे हैं? नहीं नहीं बात वो नहीं है। क्या है, जब तक शादी नहीं होती तब तक आदमी छोटा ही माना जाता है। अरे एक मिनट तारक, हमें जाना कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हो जेठा भाई? चलो 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 चलो। अरे मैं क्या कह रहा था कि अगर जरूरत हो तो मैं भी चलूं साथ में। अरे ये कलाल, ओ मेहता साहब। हाय हाय, अंजलि भाभी नहीं आई? हाँ चंका, डोर पे लॉक्ड है, कहीं बाहर गई होंगी। पर आज डायबिन भी नहीं है बाबा। वो तो टेंशन में ही होंगी, कल टप्पू का सर जो गंजा किया। हाँ देवा रे देवा, टप्पू ने सर गंजा करवा दिया। हाँ। कितने अच्छे बाल थे ना बिचारे के। तद्दन साची बात है, कितने सुज्जू लगते होते। हाँ तो क्या बात कर रहे हैं जेठालाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, दया भाभी टप्पू सेना के पीछे छुप छुप के गए? और तुम अभी बता रहे हो पोपटलाल? मैं अभी नीचे उतरा तो अभी बताया। ओ पप्पू पप्पू, पिडू, ओ मेन बात ये नहीं है कि पप्पू ने कब बताया, मेन बात ये है कि ये चारों टप्पू सेना का पीछा क्यों कर रहे थे। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि टप्पू ने कोई नया हंगामा किया होगा। ये टप्पू के हंगामे ना ये लोकल ट्रेन की तरह है, स्टेशन पे कैसे एक के पीछे एक लोकल ट्रेन जाती रहती है, वैसे गोकुलधाम में टप्पू के हंगामे आते रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल बराबर बोला। कल अपना सर गंजा करवा लिया था, आज पता नहीं कौन सी नई शरारत करके आएगा। लो आ गए वो लोग। अरे ये लोग आ गए। लो वो लोग आ गए। जेठा भाई देखो कैसे चल रहे हैं। हवा में चल रहे हो ऐसे चल रहे हैं। चारों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। ओहो आइए आइए जेठालाल जी, अभी टप्पू ने कौन सा कारनामा किया जो आप सबको उसके पीछे छुप छुप के जाना पड़ा? भाई,
टप्पू ने जो हंगामा किया है ना, वो तो सब लोगों को करना चाहिए। मतलब सर गंजा। चले अपन चलते हैं ना। ओए मेहता साहब, वो कोई तो बात है जो आप छुपा रहे हो, और दसो ना यार। नहीं नहीं, हाँ बताइए बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे छुपानी पड़ रही है? अरे बता भी दो आखिर की क्या कारनामा क्या किया है टप्पू ने। हाँ एक मिनट, मैं बताती हूँ कि क्या किया टप्पू ने। अरे अंधेरी क्या जरूरत है बताने? तारक बताने दीजिए, वरना ये लोग खामखा टप्पू पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो सुनिए आप सबके टप्पू ने क्या किया। हम सब यहाँ से छुप कर टप्पू के पीछे उसके स्कूल पहुँचे और हमने देखा कि टप्पू तुमने अपना सर गंजा करवा लिया। तुम्हारे पिताजी नहीं नहीं सर, ही इज परफेक्टली ऑल राइट, मैंने तो बस ऐसे ही। और तुम्हारे पिताजी ने परमिशन दे दी। हाँ। ये क्या है, तुम तो ना समझो, क्या तुम्हारे पिताजी में भी समझदारी नहीं है? मेहता साहब, हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। मैं हर वक्त हमेशा डरता रहता हूँ कि टप्पू मेरा नाम और ना डूबाए। चलो जाओ अपने अपने क्लास में, चलो जाओ जाओ। हाय टप्पू। हाय कुणाल। ओह गॉड, कुणाल कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें। तू तो कल आने वाला था ना स्कूल। अरे टप्पू, तुम दोनों ने सरगंजा करवाने की शर्त लगाई थी क्या? अब समझे, यह टकलू की वजह से टप्पू ने अपना सरगंजा करवाया। कौन है यह टकलू, किसका बेटा है? ये क्या है, ये तुम दोनों की कोई नई शरारत है? डांटा फिर से डांटा, टप्पू मुझे शूर्पण का बना के ही छोड़ेगा, अपने बाल काटे और मेरी नाक। वाह सर, प्लीज टप्पू को मत डांटिए। अगर टप्पू जैसा दोस्त मेरे बेटे के नसीब में नहीं होता तो शायद मेरा बेटा कभी स्कूल नहीं आ पाता। है? मतलब? मतलब कुछ नहीं सर। अरे अंकल रहने दीजिए ना। नहीं टप्पू, मुझे बताने दे। सर, एक्चुअली मेरे बेटे को ल्यूकेमिया है, कैंसर की बीमारी। और उसकी ट्रीटमेंट में उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से सारे बाल झड़ गए। और कल जब वो स्कूल आया तब। गुड मॉर्निंग। तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा
बेस्ट फ्रेंड है, तू ग्रेट है। टपो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, बट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम शरारत में नंबर वन हो, पर असल में हीरो हो, हीरो नंबर वन। थैंक यू सर। हाँ। धन्य है तुम्हारे माँ बाप, धन्य है तुम्हारा परिवार, जिनकी वजह से तुम्हें ऐसे उच्च विचार मिले हैं, और बड़े नसीब वाले हैं तुम्हारे माँ बाप जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। आज मेरी छाती गज गज फूल गई, ऐसा लग रहा है गर्व से मेरी गर्दन जिराफ जितनी हो गई। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। टप्पू बेटा, तूने इतना अच्छा काम किया और मैं तुझे डांट रहा था। सॉरी बेटा, सॉरी। हम टप्पू के मम्मी पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। सच कहूं, ये संस्कार इसका दादाजी के हैं। दादाजी का लाडला टप्पू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वेल डन टप्पू, तू जो भी करता है बेस्ट करता है। You are the best. क्या बात है टप्पू? सच पूछो जेठालाल, तो आज इस छोटे से बच्चे ने जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा सिखा दिया। सचमुच दोस्ती चीज ही ऐसी है टप्पू, भगवान हमें माँ बाप, नाते रिश्तेदार ये तो चुनने की आजादी नहीं देता, लेकिन दुनिया में आके दोस्त तो हम चुन सकते हैं, और अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी सोने जैसी हो जाती है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा का पूरा पुस्तकालय होता है। सही कहा, मेरा पुस्तकालय। ये मेरा पुस्तकालय है। अरे ये सब छोड़ो जेठालाल। अरे टप्पू बेटा, अब तो ये बता दो कि इतनी डांट खा रहे थे लेकिन क्यों नहीं बता रहे थे कि सर क्यों गंजा करवाना है? हाँ, क्योंकि मेहता अंकल मेरे दादाजी कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओहो गॉड टप्पू, टप्पू वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी सैल्यूट यू। थैंक यू फ्रेंड्स। तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। बोल तुझे इनाम में क्या दूं? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, बोल। माफी। मतलब आइंदा मैं जब भी शरारत करूं तो उसके लिए एडवांस में माफी। ये नहीं सुधरेगा। प्रिंसिपल साहब, अच्छा है वैसे, अच्छा है बहुत। चलो चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया है, चलो चलो अपने क्लास से चलो। बाय पापा, बाय मम्मी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। ओके प्रिंसिपल साहब, थैंक यू मिस्टर साहब। ओके भाई, कमाल कर रहे हो, सोच नहीं सकते, जबरदस्त। तो अब पता चला क्या कारनामा किया हमारे टप्पू ने। क्या बात, क्या बात, अरे वाह भाई वाह, क्या बात, टप्पू इज ग्रेट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू, थैंक यू। जयलाल, थैंक यू यार भाई। टप्पू की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हो ना? थैंक यू माधवी भाभी। मैं भाभी जेठालाल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और हाथ जोड़कर आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे और यार मैं भी यार हूँ, वो पूरी बात जाने बगैर अपने टप्पू हीरो को समझ ही नहीं पाया। अरे भिड़े भाई, टप्पू का अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से सम्मान करना चाहिए। हाँ करेक्ट। नहीं 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 कोमल भाभी, सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मेहता साहब? क्योंकि ये टप्पू का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। पर मेहता साहब, इसमें अपमान कैसा? अरे अपमान ही तो होगा ना, टप्पू क्या चाहता था कि भाई वो जो काम कर रहा है वो किसी को पता ना चले। उसके दादाजी ने जो उसे जीवन में सिखाया है वो उस राह पे चल रहा है कि भाई पुण्य करो या अच्छा काम करो तो इस तरह से करो कि दायां हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। और हमने उससे कितना पूछा कि भाई तू क्यों गंजा हो रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये चीज पता चले। और अब हम उसका सम्मान समारोह करके ढोल नगाड़ा पीट के सारी दुनिया को बताएंगे, तो ये उसके विचारों का और दादाजी की सीख का अपमान नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। हाँ खरस बरोबर है। क्या बात है मेहता साहब, ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं है।
सच्ची में आपके जैसा दोस्त जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो कदम कदम पे आपको ये बताए, सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वाह वाह मेहता साहब, वाह मजा आ गया। तो भाई भिड़े, ध्यान रखना, टप्पू का सम्मान समारोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी सही बात है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, टप्पू के सामने इस चीज का कहीं जिक्र भी मत कर दीजिएगा कि आप लोग ये चीज जानते हैं, ना सवाल करिएगा। हाँ मेहता साहब, तुम फिक्र ना करो, ओ, हम सब है ना, और टप्पू हमारे सामने से जाएगा ना तो हम ऐसा बिहेव करेंगे कि उसके सर के बाल कटे ही नहीं है। ये भी सही बात है। अच्छा तो चले। बाय बाबी। चलो ओके बाबी दादी। भाई वाह जेठालाल वाह, टप्पू ने जो काम किया है वो। नहीं पोपटलाल, मेरा सामने भी टप्पू की वाह वाह नहीं। बिल्कुल कोई नई बात करो। और नई बात नहीं, हम पुरानी बात कर डालते हैं। ओ मेहता साहब, चंपक चाचा तो इधर है नहीं, तो पार्टी चार्टी करते हैं ना। अपने सोडी को पार्टी की बात बोल दी थी। अरे भाई मैंने नहीं बोला, जैसे तुम्हारे दिमाग में पार्टी का ख्याल आया वैसे सोडी के भी आया। सेम टू सेम चेटा परा, क्या बात है। और सोडी के दिमाग में तो हमेशा पार्टी का ख्याल रहता ही है। तो भाई चलो फिर करते हैं पार्टी। कि बिना मजे की पार्टी तो तुम मत आना भाई। पीने मास्टर, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ओहो, और भूख लगे या ना लगे खाना खाना चाहिए। और शेर आए ना आए सुनाना चाहिए। बिल्कुल। अरे आत्माराम, पार्टी करते वक्त कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। बिल्कुल अय्यर साहब। हाँ लेकिन मेहता साहब, पार्टी करेंगे क्या? हाँ। अरे भाई मेरा घर करते ना, मेरा घर तो हमेशा खाली रहता है। हाँ। बेस्ट, तो ठीक है फिर आज रात को 8 बजे मिलते हैं पोपटलाल के घर। इतनी रात को वापस अब दुकान जा रहे हैं? हाँ। हाँ? मीटिंग मीटिंग, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे ये मीटिंग के लिए दया मैं कितना टाइम से कोशिश कर रहा था, आज जाकर मौका मिला। अच्छा तो आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो काम कीजिए, आप 1 घंटे के बाद जाइए। क्यों? क्या है, अभी शुभ मुहूर्त चल रहा है, 1 घंटे के बाद शुभ मुहूर्त होगा, तो आप उसमें जाएंगे ना तो आपका काम फटाक से हो जाएगा, और अभी जाएंगे ना तो शायद आपका काम बिगड़ सकता है। अरे मेरी भोली दया, आज मैं किसी भी मुहूर्त में जाऊं मेरा काम बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस ग्रह की वजह से मेरा काम बिगड़ सकता है वो ग्रह आज मेरी कुंडली में है ही नहीं, बहुत दूर है। आपको कैसे पता चला? तो पेपर में राशि भविष्य आते हैं ना, उसमें पढ़ा, आज हमारे मेरा राशि भविष्य में ऐसा लिखा था। अच्छा अच्छा। सुनिए, आप फिर भी अशुभ मुहूर्त में जा रहे हैं तो ऑल बेस्ट। आज मुझे ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है दया, आज मेरा काम होने ही वाला है। ऑल बेस्ट यू। थैंक यू। अच्छा सुनिए, अब वापस कब आएंगे? बस पार्टी खत्म। ही मीटिंग होते से पार्टी से मीटिंग खत्म होते ही समझदार होगी तू, सब समझ जाती है। चलो अच्छा सुन, वो पार्टी बहुत जरूरी, मीटिंग जरूरी है बहुत,
तो क्या उसमें बीच बीच में फोन करके परेशान मत करना कि निकले के नहीं, कहाँ तक पहुंचे और कितनी देर, ऐसा सब समझ गई। समझ गई। ऐसे शंका से क्यों बोल रही है? अरे नहीं नहीं, मुझे खुद पर ही शंका थी कि मैं समझी कि नहीं समझी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि आपको बार बार फोन करके परेशान नहीं करना है। समझ गया? समझ गया। अरे चुलबुली। चलो। सुनिए, आप ऐसे ऐसे बाल झटके मत। क्यों? मुझे टप्पू के बाल याद आ रहे हैं। क्या है? सॉरी सॉरी, समझ गया, बराबर है तेरे बात। चलो ओ, चाबी मैंने ले लिया, तो चिंता मत करना, आराम से सो जाना। ओके, गुड नाइट। अरे टप्पू, मेरा बेटा आ गया। यस पापा। ये क्या कर रहा है बेटा? पापा मस्त मजा आ रहा है। बस 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 बेटा बस। टप्पू, मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू पापा। लेकिन एक बात से मैं नाराज भी हूँ। कौन सी? बापूजी के आने पर पता चलेगी। चलो चलो। दादाजी कब आएंगे? दादाजी बेटा 2 दिन में आ जाएंगे। मम्मी, दादाजी जब मुझे बिना बालों के देखेंगे तो वो तो देखते ही रह जाएंगे ना। हाँ बेटा, दादाजी को जब तुम्हारे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तब वो इतना खुश होंगे कि खुश होते रहेंगे। क्या हुआ मम्मी? टप्पू, मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। मम्मी, बोलने दे दीका। पहले जब तू बाल कटवाने नाई के पास जाता था ना, तो ये तुम्हारी कली वो थोड़ी सी भी छोटे काट देता था ना, तो तू गुस्से में आकर उसकी दुकान सर पर उठा लेता था, और इसलिए तू हर बार नाई बदलता था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि वो लोग तुम्हारे बाल ठीक तरह से नहीं काटते हैं। और वो बालों का तूने हंसते हंसते त्याग कर दिया बेटा, अपना सर गंजा करवा दिया। मम्मी, तुम जानती हो दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो टप्पू को सबसे ज्यादा नापसंद है? क्या? टप्पू की मम्मी की आंखों में आंसू। मम्मी, तो कभी उदास मत होना, टप्पू देख नहीं पाता। मम्मी अब स्माइल करो, हंसो। खुश? हाँ। ए मेरा दिक्का। सोडा तो ठंडी लाया हो कि नहीं? सोडे के साथ साथ मेरे लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ। अरे पोपटलाल खर्चा करेगा तो खुद भी कांपने लगेगा।
मेहता साहब आप भी। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है, अभी तक आया नहीं। हाँ यार कितने लेट है ब्रा। अरे हाँ कहीं जेठालाल ने पार्टी में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया? ए भाई पोपटलाल लो आ गए। सब कुछ कैंसिल हो सकता है लेकिन आज के पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। अबे जेठा ब्रा बे यार। अरे 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 यार तो सर ठीक है जेठालाल लेकिन लेट यार फिर से। अरे भाई दया ने रोक लिया। क्यों? मैं निकल रहा था तो पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने बहाना बना के भाई मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो बोली अरे वाह अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अभी मत निकलिए, एक घंटे के बाद निकलिए, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है। फिर तो मैंने बोला भाई मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ इस मीटिंग के लिए शुभ अशुभ कोई मुहूर्त लागू पड़ता ही नहीं है। वाह 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 क्या बात है क्या बात है। अरे वो सब ठीक है भाई अब शुरू करो जल्दी लाओ सब सामान लेके आओ यार। हाँ 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 भाई पप्पू जल्दी जाओ ले आ। मैं तो सब एक काम कीजिए मेरे छाते को जरा संभाल के रखिए। हाँ भाई अब्दुल्ला बड़े दिनों के बाद तो मौका मिला है खाने पीने का। अरे मानू से हाँ घर में भी छाता नहीं छोड़ता ये, इसकी छत टपकती होगी। सही बात है। अरे दोस्तों इतने दिनों के बाद तो पार्टी का प्रोग्राम बना है। अरे पोपटलाल अरे जल्दी करो यार। हाँ वरना जब भी पार्टी शुरू करने जाते थे चंपक चाचा जी की एंट्री हो जाती थी। अच्छा हो रहा यात्रा पे चले गए। आराम से संभाल के भाई। ओ जेठा ब्रा मैं क्या कहता हूँ, ओ चंपक चाचा को हर महीने किसी ना किसी यात्रा पे भेज दिया करो। थोड़ी फिर हर महीने ऐसी पार्टी एंजॉय करेंगे। चलो चलो जल्दी 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 बनाओ जल्दी बनाओ भाई। तेरा स्टाइल मारना। अरे हाँ 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 क्या बात है। चारों दिशा में जाना चाहिए भाई। हाँ मौका भी है मौसम भी है दस्तूर भी है। अरे बबीता जी भी है। कैसी बबीता जी? कहाँ है बबीता जी? अरे अय्यर के चेहरे पे शक्ल तो देखो इसकी। अय्यर भाई क्या मेहता साहब क्या मजाक कर दे आप भी। अरे पसीना पोंछो कोई अय्यर भाई का। अरे अरे हाथी भाई पार्टी शुरू होने के पहले ही वेफर्स खत्म मत कर दीजिएगा भाई। हाँ चिंता मत करो पोपटलाल थोड़े और भी हैं। अपना स्टॉक साथ में ही रखते हैं भाई। ओ तेरी ओ जैसा पारा शरीर वैसे ही पेपर क्या बात है। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ अभी गिलास जोरदार भरे हुए हैं तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त पार्टी। बिल्कुल चलो 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 रेडी है। किसका फोन है यार? अरे यार बॉस का फोन है। ओए कमाल है ओ आ जाओ जी आ जाओ। सूरी क्या करता है यार बॉस का फोन है नौकरी का सवाल है। ओ पार्टी शादी के लिए बुला रहा हूँ बॉस को भी बुला लो। क्या बुला रहा हूँ सूरी यार यार इसके सामने तो बात करना भी बेकार है। एक मिनट। हाँ बस मैं आपको समझाता हूँ वो आर्टिकल मैंने असल में कंटेम्प्रेरी लिखा है। हाँ उसी रेफरेंस में लिखा है। हाँ हाँ मैं क्या करता हूँ मैं आपको भेज देता हूँ ना दूसरा। हाँ बस थोड़ा सा बिजी था अभी वही अगले सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था तो मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ब्रेन जोर लगा रहा था कि भाई क्या लिखूं इस तरह से। हाँ हाँ ओके बस या या। मम्मी बालों में तेल क्यों लगाते हैं? तेल लगाने से सिर खींचता नहीं और दिमाग है ना वो एकदम ठंडा रहता है। ठंडा चलो बेटा अभी मालिश हो गई है हम सो जाते हैं। तुम्हारे पापा तो रात को मीटिंग करके देर से आएंगे। ओके मम्मी हाँ। हेलो बापूजी जय जिनेंद्र कैसे हो? दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है। दादाजी का सरप्राइज होगा। हाँ बापूजी अभी आप कहाँ नासिक में हो? अभी आप घर आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा अच्छा हाँ हाँ आधे घंटे में दादर पहुंचेंगे। हाँ टप्पू के पापा को बता दूंगी।
ये दादाजी आ रहे हैं। ये पापा को फोन करके बता देती हूँ। ओ ओके बस सी यू। चलो 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 आइए भाई ग्लास लो ग्लास। एक मिनट सबसे पहले अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो भाई। चलो अब तुम्हारे भी बॉस का फोन है। होम मिनिस्टर दया भाभी। तो और कौन है होम मिनिस्टर भाई? भाई मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ। दया मैंने तुझे मना किया था ना फोन करने के लिए। देखो टप्पू के पापा बात ही कुछ ऐसी है, बाबूजी आधे घंटे में दादर आ रहे हैं। क्या बाबूजी आ रहे? दया तो मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं बापूजी ने खुद फोन करके बताया। अच्छा उनकी तबीयत? नहीं 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 एकदम मस्त है, आप उस बात का कुछ टेंशन मत लीजिए। हेलो पापा। हाँ बोल। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सरगंजा की है, दादाजी को सरप्राइज दूंगा। अरे भाई सरप्राइज तो अभी मुझे मिली है बहुत बड़ी। क्या? तेरी माँ को बोल मैं बापूजी को लेना भी आधे घंटे में दादर पहुँच रहा हूँ। दादर? वो तब तक तो पार्टी शार्टी हो जाएगी। अरे माँ तो भी सो रही होगी, मैं कल सुबह उसको बता दूंगी। हाँ ठीक है फोन रखना भाई चल। सॉरी दोस्तों बापूजी यात्रा से अचानक वापस आ रहे तो मुझे उनको रिसीव करना दादर जाना पड़ेगा। जेठालाल सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे एक टेंशन की बात यह है कि मेरे लिए आज की पार्टी कैंसल। आप लोग एंजॉय करो। जेठालाल मैं चलूं साथ में? नहीं 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 अरे आप ठीक है आप करो एंजॉय करो। चलो मिलते हैं बाद में। अरे बाजू रोने भाई जाने दो ने। आओ भाई आप इधर बैठो। बैठ बैठ। अरे जेठा पर आगे जाने से तो पार्टी का पूरा मूड आधा ही हो गया। तो सॉरी मूड को पूरा कर देते हैं, चलो पार्टी करते हैं। चीयर्स। क्या हुआ? क्या हुआ क्या यार, हम लोग कोई पीने के लिए पार्टी थोड़ी करते हैं भाई, ये तो एक बहाना है, इसी बहाने सारे दोस्त मिल बैठ के एंजॉय करें, पार्टी ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, वैसे भी अभी जेठालाल के बगैर पार्टी का मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली कमाल है भिड़े, तुम्हें मजा नहीं आएगा? तुम तो जेठालाल के साथ हमेशा लड़ते ही रहते हो। पोपटलाल जेठालाल और मुझ में मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है, और वो भी गोकुलधाम के परिवार का एक सदस्य है भाई और मेरा दोस्त है, और हमें जो तुतु में होती है वो उस पे भी एक अलग मजा है। क्या बात है? सही बात है। मैं अब पिएंगे तो जेठा भाई के साथ ही पिएंगे। हाँ। तब तक सिर्फ खाएंगे। और जेठा प्रा के बगैर तो पार्टी का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो ऐसे वाली बात हो गई जैसे ढोल के बगैर आप भंगड़ा कर रहे हो। मैं क्या कहता हूँ? एक मिनट मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि आज की पार्टी कैंसल। भरे हुए गिलास का क्या करें? पोपटलाल एक काम करो। बताइए बताइए मेहता साहब। ये वॉश बेसिन में डाल दो सारे भरे हुए गिलास, पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। हाँ और बोतल संभाल के रख देना बाद में काम आएगी। नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई चलो 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 इतने दिनों के बाद पार्टी का प्रोग्राम। चलो दोस्तों बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय शुभ रात्रि। आइए बाबूजी। दादाजी को अचानक से सरप्राइज होगा, दादाजी को पता नहीं अंदर। आई आई आइए बाबूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबू।
अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू सो गया क्या? नहीं बाबूजी। टप्पू ए टप्पूड़ा दादाजी। बाबूजी वो दादाजी इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, ये जिद मैंने ही पकड़ी थी। टप्पू तो ये क्या किया तूने? बाबूजी वो हुआ यूं कि मारो दिक्रो। टप्पू तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है, हैं? जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छांव देता है। जीतिया जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज़्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने, लेकिन बापूजी ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार स्वर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू। लेकिन दादाजी। नहीं बेटा ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टपूड़ा गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी, लेकिन दादाजी आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं, हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है? तूने ये बात छुपाई और जब तक सच का पता चले तब तक तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे, है? वो होंगे क्या बापूजी, बहुत परेशान हुए। हाँ। देखा? जी दादाजी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। आइंदा याद रखना। जी दादाजी। वैसे बापूजी आप 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अरे हाँ बापूजी, पहले बताया होता तो क्या हो हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते ना। प्रोग्राम? बापूजी को दादर लेने जाने का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बापूजी ये अचानक 2 दिन पहले आने का प्रोग्राम कैसे बना? अरे वो क्या हुआ कि वो दूधा को वहाँ ठंड लग गई। दूधा का कहो? हाँ वो खाली दिखने में ऐसा है, बाकी अंदर से एकदम कमजोर है। ले बोला। तो उसको वहाँ ठंड लग गई तो 2 दिन आश्रम में रहने की बजाय हमने सोचा कि घर चले जाते हैं, तो वो लोग मुझे मुंबई की बस में बिठा कर कच्छ की ओर निकल गए। लेकिन जेठिया मेरी सनी सिंगड़ापुर की यात्रा एकदम सफल रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों को खुश रख सके, किसी के आंसू पोंछ के उनके चेहरे पर खुशी ला सके। बेटिया एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की।
वाह बाबूजी, क्या बात कही आपने, वाह। सॉरी बाबूजी, सॉरी, बैठो, सॉरी, सॉरी, तो सुधरा का नहीं कभी।